हम हैं किलोंग में, कल रात को 10 बजे पहुंच गए थे। और आपने अगर पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ ऊपर लिंक आ रहा होगा तो पिछला ब्लॉग जरूर देखिए। हम लगभग 10 बजे पहुंच गए थे और उसके बाद हमने डिनर करा और फिर हम लगभग 12 बजे सो गए थे। और मैं अपना रूम दिखा देता हूँ आपको। ये है चंद्रभागा होटल जो कि किलोंग में है, हिमाचल टूरिज्म का होटल है और ये बहुत ही स्पेसियस है यार। और व्यू भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको, पहले रूम दिखा देता हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, ये हमारा सिटिंग रूम। यहाँ पे मैं सोया था क्योंकि अमित भाई को बहुत ख़तरनाक कराटे लेने की आदत है, इस वजह से मुझे यहाँ सोया था। मैं बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए यार, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। देखिए सामने बिल्कुल माउंटेन्स हैं, बर्फ वाली बिल्कुल। और ये हमारी पार्किंग है, ये हमारी बाइक्स का ही नीचे। और ये व्यू देखिए यार, पूरे बादल आए हैं ऊपर माउंटेन के और ऊपर वाट लगने वाली है आज हमारी। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है ये। और ये अमित भाई और यशराज भाई। तो प्लान अभी ये है कि अभी हम निकलेंगे विद इन 1 आवर, अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर अपना पैकिंग करेंगे बाइक पे और उसके बाद सीधे निकल जाएंगे पुणे की तरफ जो कि है जंस्कार में। और हमें शिंगला पास को क्रॉस करना पड़ेगा। और लास्ट ईयर मैंने शिंगला पास तक गया था लेकिन वापसी ही आ गया था। इस बार मैं शिंगला पास को क्रॉस करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहना लास्ट तक। और पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके जरूर देख लेना। पीछे होटल है चंद्रभागा और अभी हम निकल रहे हैं अपना जंस्कार के लिए। और पुणे हम जाके आज स्टे करेंगे, उससे पहले शिंगला को क्रॉस करेंगे। तो काफ़ी एक्सट्रीम राइड होने वाली है, तो आप लास्ट तक बने रहना क्योंकि इसमें काफ़ी वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। और पीछे देखिए बादल, देखिए मौसम भी ख़राब हो गया है, बारिश आने के भी चांस पूरे पूरे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस देखिए कुदरत के नज़ारे सामने देखिए। और हम अपनी जंस्कार राइड पे निकल पड़े हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, कमाल है। और जितना खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक बन जाता है क्योंकि स्नोफॉल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और कल रात को हम यहाँ पर रुके थे चंद्रभागा जो कि हिमाचल टूरिज्म का गेस्ट हाउस है। और इसका मैं प्राइस बता दूं, इसका प्राइस है लगभग 3000 रुपये। अगर एक्स्ट्रा बेडिंग लेंगे तो 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ फॉर एक्स्ट्रा बेडिंग। लेकिन स्टे करने का मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। बहुत थके हुए थे और स्पेसियस था बहुत ज़्यादा। और अभी हम किलोंग से निकल पड़े हैं जिस्पा से, फिर हम शिंगला वाले रूट पे चले जाएंगे। डोंट बी गामा, इट्स द लैंड ऑफ लामा। रात को तो कुछ व्यू दिख नहीं रहा था और अब सुबह हो चुकी है, लेकिन सूर्य देवता जी फिर छुप चुके हैं क्योंकि बादल आ चुके हैं, कहीं स्नोफॉल ऊपर शिंगला में ना मिल जाए। लग रहा है मैं एक्सट्रीम, आज की राइड एक्सट्रीम होने वाली है। आप व्यू देखिए, आप मजे लीजिए इस ब्लॉग के और हमारे साथ जुड़े रहें। जंस्कार सफ़रनामा एक्सट्रीम जंस्कार में, ये देखिए सामने ब्यूटीफुल। ओहो, ये अभी नया रिप ब्रिज तो बन रहा है यहाँ पे, और उससे पहले हमें पुराने ब्रिज से क्रॉस करना पड़ेगा। ये शुरू से ऐसे रोड है, 2018 में आया था और लास्ट ईयर आया था, सेम ऐसे ही कंडीशन थी। अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ इस रूट में, जब तक ये नया ब्रिज तैयार नहीं होगा तब तक ऐसे ही रहेगा। यार वो ट्रॉफी लेनी थी, ये देखे नाला।
तो गाइस हम पहुंच गए हैं जिस्पा में, ये स्तूपा देख लीजिए। और ये थोड़े से कैंपिंग साइट हैं, अगर आप प्राइवेट कैंप लगाना चाहें तो यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं। ये साथ में रिवर बह रही है और हम हैं जिस्पा में। अब चलते हैं आगे, होम स्टे जिस्पा। वो अमित भाई जा रहे हैं आगे, और पहाड़ों पे देखो बर्फ मिलेगी ऊपर, हमें पूरी बर्फ मिलने का चांस है। ये देखो यार कुदरत का करिश्मा, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, बिल्कुल लैंडस्केप बहुत ही खतरनाक लैंडस्केप है। और ये हम जिस्पा को क्रॉस कर चुके हैं लगभग। और अब एक ब्रिज को क्रॉस करना है, नया ब्रिज है, उसके बाद हम निकल जाएंगे श्रृंखला की तरफ। और लास्ट ईयर भी हमने श्रृंखला किया था, और देखते हैं अभी दारचा आएगा, दारचा 4 किलोमीटर आगे। दारचा से थोड़ा सा आगे जाते ही श्रृंखला का रास्ता निकलता है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो आज पहली बार हम इस नए पुल से जाएंगे, और लास्ट टाइम भी ये पुल चालू नहीं हुआ था, 18 में भी और 2020 में भी। और आज हम जा रहे हैं नए पुल से, पहले हम वो पुराने पुल से गए थे उधर से, और यहाँ चेक पोस्ट था, अब शायद आगे चला गया है, यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती थी आपको। काफ़ी चौड़ा ब्रिज बना दिया ये। चेक पॉइंट पहले पीछे होता था, चलो एंट्री करा देते। तो गाइस आ गया है श्रृंखला का रास्ता, ये देखिए सामने श्रृंखला सीधा जाएगा, ले के लिए आपको ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा। और हम अभी जा रहे हैं जंस्कार वैली श्रृंखला, चिका गांव आएगा पहले 10 किलोमीटर बाद। ये है श्रृंखला, 39 किलोमीटर है श्रृंखला यहाँ से, चीका 10 और पादुम 143। तो पहले हम पूर्णे जाएंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का श्रृंखला बाइक ट्रिप पे, और ये सेकंड टाइम जा रहा हूँ मैं श्रृंखला, लेकिन इस बार हम श्रृंखला को क्रॉस करेंगे। पिछली बार हम पास पे जाके वापसी आ गए थे। और ये काफ़ी कारिल को जोड़ने के लिए और ले को जोड़ने के लिए एक शॉर्ट रूट बनाया है, और काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है इसका, ड्यू टू आर्मी के लिए आई थिंक ये किया जा रहा है कनेक्टिविटी। चाइना बहुत ही पंगा कर रहा है हमारे यहाँ पे। बाप रे कितना खतरनाक पानी आ रहा है, छोटे सी कैनाल बनी हुई है, बहुत तेज पानी आ रहा है ऊपर, लगता काफ़ी वाटर क्रॉसिंग मिलने वाले चांस है हमें आज तो, वाट लगने वाली है, देखते हैं। भोले बाबा पार लगाएंगे, जय भोले की, भोले बाबा लाज रखियो हमारी। ये कुछ बाइकर्स आए हुए हैं और कुछ टूरिस्ट हैं, अभी जाके आ रहे हैं, जा रहे हो, ओहो कहाँ से, जंस्कार हैं दिल्ली हैं, हाँ पुरने रुकेंगे आज, पुरने पुरने आज रुकेंगे। हाँ ये अभी लेके गए वहाँ पे, लेके गए हैं जिस्पा, इनमें यही पंगा है। ओके okay.
भाई की हिमालयन पंचर हो गई हैं और टायर खोल के लेके गए हैं अब इनको किलोंग में, तो भाई के कम से कम 2 घंटे ख़राब होंगे, इसलिए आवर डोमी इज द बेस्ट। पंचर हो जाए 5 मिनट में पंचर लग जाए। और एक और आयरन ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, और ये पानी देखो यार, मुझे तो डर ही लग रहा है, बहुत तेज़ पानी आ रहा है। जब हम सितंबर में आए थे तब इतना फ्लो नहीं था पानी का, तो खतरनाक वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है। ओहो व्यू, वहाँ तक जाना हमने ऊपर पहाड़ों पे, देख लो कहाँ तक जाएंगे वो ऊपर 16,800 फीट पे, जो श्रृंखला पास है वो 16,800 फीट पे है, लगभग उससे चोटी के बराबर वहाँ पे, और पूरी बर्फ़ मिलने के चांस है हमें वहाँ पे। और ये फ्लो देखो यार वाटर क्रॉसिंग का, बहुत है। ये मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये देखो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, जैसे किसी मतलब कि बियाबान जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे नो मैन लैंड्स, जैसे कि हम मंगल पे तस्वीर देखते हैं या चंद्रमा पे, वैसे सेम लगता है, तो पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ, और उसके बीच से ये रास्ता बनाया हुआ है। जब ये नया रास्ता बन रहा था तो नदी के अंदर से होकर जाना पड़ता था, वो सामने आयरन ब्रिज देख रहे हैं, उससे पहले ये नदी के अंदर से होके गुजरना पड़ता था। और वहाँ पे है अपना हेलीपैड है, वहाँ पे सामने हेलीपैड ग्राउंड है और वो वाटर कॉर। इसके बाद हम माउंटेन पे चढ़ना शुरू कर देंगे यहाँ से, अभी तक तो प्लेन था, आगे रास्ता ख़तरनाक होने वाला है। ये BRO काम कर रही है, पूरी रोड की मेंटेनेंस BRO, जितने भी हिल्स होते हैं माउंटेन्स होती है मोस्टली BRO उसको टेक केयर करती है, कंस्ट्रक्शन और टेक केयर। ये है जी हेलीपैड, ये दिखा देता हूँ, ये है हेलीपैड। अपना बंदा यशराज भाई ऊपर जा रहा है, अमित भाई नहीं आए, समझ नहीं आ रहा, बहुत धीरे चलते हैं यार।